तो आज हम लोगों के बीच में एज अ चीफ गेस्ट अनुराग पांडे सर हैं, और आई थिंक एवरीबडी नोज हिम इफ यू टॉक अबाउट इन एनसीसी स्काउट्स। आई थिंक इन एमबीपीजी ही इज वन ऑफ द स्टार पर्सन, और अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम हुआ था वहां पर अवार्ड कर रहे थे एनसीसी वाले बच्चों को, और आई थिंक सर वॉज डूइंग ग्रेट जॉब देयर। ही वॉज एन एंकर और बहुत ही शानदार शो था। आई थिंक सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बना था वो शो, और थैंक यू वेरी मच सर, यू ऑल्सो इन्वाइटेड मी देयर। बहुत अच्छा लगा था मुझे देख करके, और आप जिस पैशन के साथ में उसको कंडक्ट कर रहे थे ये बहुत अच्छा था। यू आर शेयरिंग योर एनर्जी विद एवरीवन, सो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। हैप्पी विमेंस डे। मेरे को साथ सच में मुझे बड़ी खुशी हुई कि वुमेन्स डे के अवसर पर हमारे जो डायरेक्टर हैं एक्सलेंट एकेडमी के मनोज कांडपाल जी ने हमें बुलाया, और आप आज जो मैं अवार्ड्स देख रहा हूँ ज़्यादातर गर्ल्स हमारी आज इतनी एम्पावर हो चुकी हैं कि वो आगे आ रही हैं, और ये सच में हमारे देश के लिए एक गर्व की बात है कि आज महिलाएं गर्ल्स आगे आ रही हैं और एक आदमी की भांति बराबर की टक्कर दे रही हैं। आज हम जानते हैं पीवी सिंधु का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, आज वह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए जा रही हैं। ऐसे एक आप लोगों ने एक रेसलर का नाम सुना है, क्या नाम है आप लोगों को पता है? हु इज दैट रेसलर बॉक्सिंग? मैरी गोल्ड, मैरी कॉम, इट्स मैरी कॉम। तो मैरी कॉम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो आज ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और सबसे पहले मैं एक्सलेंट एकेडमी के बारे में जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता हूँ, मैंने बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी है। नाउ दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट एज आई कंसीडर इज वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन हल्द्वानी एज वेल एज इन उत्तराखंड। इफ आई कंपेयर दिस टू द एट द नेशनल लेवल, आई विल कंसीडर दिस एज द बेस्ट कोचिंग अकेडमी। नाउ देर आर सर्टेन क्वेश्चन, क्यों मैं कह रहा हूँ ऐसा? ऐसा तो नहीं कि मुझे यहाँ बुलाया तब मैं ऐसा कह रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। इसका सबसे पहली चीज ये है, देखिए किसी भी मोटिवेशन के लिए, कोई भी मोटिवेशन आपको देना है, हम लोग जब डिफेंस क्लासेस चलाते थे, जब पढ़ाता था मैं डिफेंस के बच्चों को, तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है? मोटिवेशन चाहिए होती है। इंसान सारे कामों को कर सकता है, मगर क्या चाहिए उसके लिए? मोटिवेशन चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए हाउसवाइफ भी आ रही है, इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहती हैं। मैं अपने घर में अपनी मम्मी को भी सिखाता हूँ कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे करो। उनके अंदर लर्निंग कैपेसिटी है, बट चाहिए क्या? मोटिवेशन। मगर आजकल की दुनिया क्या थोड़ा सप्रेस ज़्यादा करती है, आगे बढ़ने से रोकती है, खासकर गर्ल्स को। दिक्कत यहीं पर आती है। तो ये मनोज कांडपाल सर का एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कि, और यही नहीं, हर जगह जहाँ जहाँ ये जाते हैं, इनका ये जो मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं हर बच्चों को, खासकर विमेंस को, ये अपने आप में एक सराहनीय कार्य। एक बार जोरदार तालियां डायरेक्टर कोचिंग अकेडमी के मनोज कांडपाल सर, क्योंकि देखिए महिलाएं कब आगे आ पाएंगी, उन पर लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, उनका आईक्यू लेवल इवन अच्छा होता है। डिफेंस में अगर मैं आप लोगों की बात एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दूँ, गर्ल्स ज़्यादा सेलेक्ट होती हैं, बॉयज़ कम सेलेक्ट होते हैं। एज एन ऑफिसर अगर मैं बात करता हूँ, हम लोगों का जो सिलेक्शन रेट होता है उनसे कम होता है, ठीक है, मगर क्या होती है, गर्ल्स की वैकेंसी नहीं आती उतनी ज़्यादा, दिक्कत यहाँ पर आ जाती है। अब समस्या क्या है कि वो लोग कर सकते हैं, इसका मतलब यहाँ से मतलब वो लोग कर सकते हैं, उनका आईक्यू लेवल अच्छा है, उनकी साइकोलॉजी अच्छी है। परेशानी क्या है? मोटिवेशन नहीं है, उनको डर लगता है, हेजिटेशन होती है, और फिर थोड़ी दुनिया उनको सप्रेस करती है। आज ऐसे युवक, ऐसे लोग हमारे बीच में, मनोज कांडपाल सर जैसे, जिन्होंने एक अच्छा एक स्टेप उठाया है कि आप लोगों को आगे प्रोत्साहित किया, और ये प्राइस सेरेमनी मुझे इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग को कहीं पर अवार्ड मिलता है तो हमारा एक मोटिवेशन लेवल राइज करता है, और जब हमारा एक मोटिवेशन लेवल राइज करेगा तो हम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते रहते हैं। ये कहीं पर भी एक बिल्कुल ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे 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 करके। आज आपने इस, आज आप स्टार ऑफ द वीक बने, नेक्स्ट आप मंथ ऑफ द वीक बनोगे, ऐसे ही करते करते आप आगे को बढ़ते जाते हैं। मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सर का थैंक्स करता हूँ, और सर आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे हल्द्वानी के अंदर, शायद मैं कहूँगा कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग अकेडमी, एंड थैंक यू वेरी मच। मुझे आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और सर के लिए भी एक छोटा सा टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड है सर, दिस इज फॉर यू। थैंक यू, सो आप भी अपनी इंग्लिश को परफेक्ट करने के लिए ज्वाइन करें एक्सीलेंट अकेडमी हल्द्वानी। और अगर आप किसी वजह से हमारे क्लासरूम के सेशंस नहीं ले सकते तो हमारा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, इसमें भी हम आपको देते हैं लाइव क्लासेस वाला एक्सपीरियंस, आपको हम प्रोवाइड करते हैं बड़ी चैट ऑप्शन। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।